Assalamualaikum. I hope everyone is good and doing well. This is my new another vlog. Exactly, ये another vlog तो है. इसके अलावा ये vlog बहुत interesting है. इसको देखने के लिए आपको सबसे पहले मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब और मेरे vlogs को share. So please go subscribe and share. एक्चुअली आज मेरी जो कज़न है उनकी तरफ से हमें दावतनामा था. दावतनामा मीन्स इनविटेशन था और हम लोगों ने वहाँ पे जाना था. और मैं हमेशा की तरह आज भी लेट थी. मैं लेट इसलिए थी कि मैं इनके ब्लॉक में आके इनके घर को भूल चुकी थी, जबकि मैं उसी एरिया से गुजर के आगे आ गई. और मुझे जाना था, मेरी जो डेस्टिनेशन थी वो थी DHA Phase 5. और मैं उनकी साउंडिंग में, पार्क की साउंडिंग में लाइक कोई घर था, और मैं वहाँ से आगे मूव कर चुकी हुई थी, जबकि मैंने मैप की लोकेशन भी ऑन की हुई थी. समटाइम लोकेशन भी आपको एक राइट वे नहीं दे रही होती, मतलब सही नहीं गाइड कर रही होती. एनीवे, देन मैंने फिर कॉल की. मैंने कहा यार मुझसे पूछ लो मैं कहाँ घूम रही हूँ. और फिर बाद में फाइनल हुआ कि मैं उस रास्ते से गुजर के आगे आ चुकी हूँ. अब मैं फिर दोबारा वहाँ पे जा रही हूँ, लेकिन मुझे फिर समझ नहीं आ रही. मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने मेरे ड्राइवर को गाइड किया. और फिर मैं अपने मतलब दोबारा रास्ते पर चल पड़ी. और उसके 5 से hardly कुछ ही टाइम के बाद मैं पहुँच गई थी वहाँ पर. और अब मैं पता कैसे पहुंची थी, मैं ऐसे पहुंची थी, मैं इन गाड़ियों के पीछे लग गई थी. मतलब ये जहाँ जहाँ मूव कर रही थी ना, मैं इनके साथ थी. और ये मुझे पता लगा कि मेरे साथ ही जा रही हैं. और हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे वहाँ पर जाके स्टॉप किए. इन द एंड मैं पहुंच गई थी, पर थोड़ा सा लेट. एक्चुअली मैं थी और मेरी फैमिली के कुछ मेम्बर्स थे और मेरे साथ जोहान था. प्लीज़ आपको अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा. मुझे आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार होता है. अब जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो इट्स मीन ये साथ वाले घर उनका है. और जबकि मैं भूल चुकी थी, फाइनली मैं आ गई थी. आगे कुछ गिफ्ट्स थे उनके लिए जो मैं लेके आई थी. और अब हम अंदर एंटर होंगे. मेरे साथ जोहान है और फैमिली के कुछ मेम्बर्स हैं. जब वहाँ पे मैं गई तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया. मेरी कज़न था, बहुत लविंग है, बहुत ज़्यादा प्यार. हम अंदर जाएंगे और मैं वहाँ पे जाती हूँ, जहाँ काफ़ी ज़्यादा इतना है और प्यार थी. मेरी सब कज़न वहाँ पे इनवाइटेड थी और यहाँ पे डिनर था. हमेशा की तरह मैंने बहुत इंजॉय किया. अभी मैं करूँगी, मैं आप सबको दिखाऊँगी मैंने क्या खाया, मैंने क्या किया, मैं आपको सब बताऊँगी. पर वो सब देखने के लिए आपको मेरे व्लॉग को शेयर करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा. सो प्लीज़ आएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. जोहान इस पीकॉक से थोड़ा सा डर रहे थे. जोहान किसी भी चीज़ से नहीं डरते, बिल्कुल भी. इवन के डॉग से भी नहीं डरते, उसको टच करते हैं. और यहाँ पर मैं कह रही हूँ जोहान क्यों नहीं वहाँ जा रहा, पता लगा जी वो पीकॉक से डर रहे हैं. और कैसा पॉसिबल है कि आपके ड्रेसिस लाइक गंदे ना हो, मतलब आपकी पेंट है और आपकी जो शर्ट है, और जाके स्टेयर्स पर ना चढ़ा जाए और फिर दोबारा गिरा ना जाए. ये चीज़ें ना हो तो फिर आपको पता है दिन भी अच्छा नहीं गुजरता. तो मैं तो अब इन चीज़ों की आदी हो चुकी हूँ. लेकिन जोहान इसको टेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो जोहान को क्या आँखें दिखाता है. उसके पास जोहान जाता ही नहीं है वहाँ पर. तो एक बहुत मज़े का सीन क्रिएट हुआ था वहाँ पर. और ये देखने मैं हमेशा जहाँ पर भी जाती हूँ ना, मैं जोहान के टॉयस और इसकी कार्ड्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो जिससे होता है कि ये अपने मूड में रे तंग ना करे, लेकिन वो सब चीज़ें साइड पे होती हैं. और जोहान को हर कमरे में लाजमी जाना होता है, देखना होता है कि सब कुछ ठीक है ना, वहाँ पे सब सेट है ना. लाइक आई होप हमने भी ऐसा ही किया होगा. बच्चे हैं तो बच्चे तो फिर ऐसा करते ही हैं. और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन स्पैरोज़ थी और इसके अलावा यहाँ पे पैरट्स थे. तो वो उन्होंने एक अपना प्रॉपर एक डिज़ाइन बेस्ड घर है, ये बहुत प्यारा घर है. तो बस वो अट्रैक्ट हो रहा था. और जबकि मिरर के अंदर ये सब चीज़ें थी, एक्चुअली ये उनकी रूम की एक बैक वॉल है जो उन्होंने पूरा एक सीन क्रिएट किया हुआ है, जिसमें स्टॉन्स हैं. इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने गार्डन है. और इसके अलावा यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं, लाइट्स हैं, कुछ वुड वर्क भी है और कुछ प्रॉपर उन्होंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है. तो माशाल्लाह, प्लीज़ माशाल्लाह कह दें, बहुत खूबसूरत घर है. ये मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा भी चुकी हूँ. आई प्रॉपर एक बैक वॉल है जो उन्होंने उनके रूम के मिरर के बैक से सब नज़र आता है. ये जिस ऑस्ट्रेलियन स्पैरोज़ हैं, पैरेट है, कैटी है, लॉयंस भी मैंने देखे और बहुत कुछ है. ये माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है, अल्लाह पाक नज़र वैसे बचाएँ. और यहाँ पे जब मैं बाहर आई तो यहाँ पे खाबे का इंतज़ाम हो चुका था. मीन्स खाबा मीन्स डिनर.
आपको पता है पंजाब के लोग कितने खाबेगीर होते हैं। खाबेगीर मीन्स खाओ प्रोग्राम मीन्स कि वो खाने के शौकीन होते हैं। आई होप आप मेरे पॉइंट को तो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। यहाँ पे जो हमारी खुराक तैयार हो रही थी वो थी रेशमी कबाब थे, मलाई बोटी थी, मटन कढ़ाई थी, सैलेड थे, दो तीन तरह की सॉसेजेस थी, रायता था और डिजर्ट्स में बहुत कुछ था, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी आज सिर्फ देखें यहाँ पे तैयार हो रहे थे रेशमी कबाब, लाई बोटी और बैक में वो प्रॉपर टेबल की सेटिंग के लिए वहाँ पे एक लाइव लगे हुए थे, वो नान जिसमें वहाँ पे थे 4 to 5 टाइप्स के नान थे, मतलब किलमंजी, चीज़, पुदीने की धनिया का और इसके अलावा वहाँ पे ये थे स्टफ वाले नान थे, मतलब बहुत कुछ था खाने में। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप देखें ये टेबल मैनेजमेंट के लिए सब सेटिंग हो रही थी। बारबेक्यू और ना खाया जाए इम्पॉसिबल, ये कुछ डिशेस थी जिसमें खाना सेट होकर अंदर जाना था। और जैसे कि आप देख रहे हैं वो मटन कढ़ाई थी, ये सैलेड थी, बॉटल्स थी, रायता था, बारबेक्यू भी आ रहा था, डिजर्ट्स पे भी आएगा। ये थी मेरी प्लेट, आई लव टू ईट वेजेस और बारबेक्यू। मैं खाने में मेरी चॉइस बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। इसके बाद मैं यहाँ से फ्री होने के बाद मुझे जाना था इम्तियाज़, और इम्तियाज़ स्टोर पे इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना क्राउड था कि मैं देख के वहाँ से सोच रही थी यार मैं यहाँ से मतलब स्टेप बैक कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, मैंने सोचा मैं आई हूँ तो मैं जाऊँगी। और लिटरली आप यकीन करेंगे जब मैं अंदर गई हूँ इतना क्राउड था कि पाँव रखने की भी जगह नहीं थी, और फिर भी मैं अंदर तक गई। मैंने सोचा मैंने कुछ चीज़ें पिक करनी है लाइक, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। अब जब मैं लेने लगी तो मैंने सोचा यार जितनी लंबी यहाँ पे काउंटर पे लेन है वो तो मुझे पूरा दिन चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे यहाँ से कुछ स्ट्रक्टिव चीज़ें चाहिए थी, और फिर मैंने वो ले ली जिसमें से मुझे चाहिए थी कुछ, मुझे स्नैक्स चाहिए थे और मुझे कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए था, मैंने वो लिया था। और इसके अलावा मुझे मुझे एक फ्रेश मिंट चाहिए था लाइक, वो जिसे हम कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन सब कुछ फ्रेश था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा रश था और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए देख रही थी कि कभी मुझे अगर ऑर्डर करवाना पड़े तो मैं यहाँ से करवा लूँ। बेसिकली यहाँ की चॉकलेट्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन चॉकलेट्स की जो कलेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बस नॉर्मल थी। और मेरी चॉकलेट्स में जो चॉइस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड चॉइस है, मीन्स आई लाइक हार्ड ब्लैक चॉकलेट लाइक इस तरह, मुझे मिल्की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे ऐसा फ्लेवर रेयर था। एनीवे मैंने यहाँ से कुछ 2 से 3 चीज़ें पिक की थी और मैं सोच रही थी कि मतलब यहाँ पे इतनी लंबी लेन है तो मैं कैसे अपना ये सब कुछ करूँगी, लेकिन मैं फिर भी कामयाब हो गई। और बहुत रेयर थी, लेकिन आई लाइक डार्क चॉकलेट, आई डोंट लाइक टू ईट मिल्की फ्लेवर या व्हाटएवर, मुझे ऐसे फ्लेवर्स नहीं पसंद। तो एग्जैक्टली मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी थी, मुझे चाहिए थे रोस्टेड नट्स से और कुछ मिड नाइट के लिए स्नैक्स चाहिए थे। मैं तो यहाँ से करूँगी शॉपिंग और मैं आई होप कि मैं यहाँ से जल्दी फ्री होकर घर चली जाऊँ। आप प्लीज़ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइक, जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा आप उसको देखना ना भूलेगा, और मुझे उसका फीडबैक देना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अब मैं जाऊँगी घर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।